वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्री जन प्लैनेट। सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। सबको नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का टॉपिक है कबूतरों का पतझड़। कबूतरों का पतझड़ भी कहते हैं, खुरिज भी कहते हैं, पत्ते गिराना, पर गिराना, ये सब उसके अलग अलग नाम है। इसमें क्या होता है, कबूतर अपना पुराना पर छोड़ देता है और उस जगह नया पर आता है। इसमें कबूतर 15-20 दिन या 30 दिन कबूतर अंडे भी नहीं रखते। ये जोड़े वाली कबूतर की बात है। इसमें उड़ने वाले कबूतर भी अपने पर गिराते, अगर उसके पर खींचे नहीं तो पर गिराएंगे, और उस पर गिरे हुए कबूतर को अगर उड़ाएंगे तो किधर जाके वो खुद गिरेगा। ये तो सबसे मेन बात है, इसलिए कबूतर के पर खींचते हैं। और पर खींचने के टाइम कबूतर को दाना देना बहुत ज़रूरी है, तो कबूतर को मिक्स दाना देना बहुत ज़रूरी है। इस मिक्स दाने में कबूतर मक्का खाएगा, ज्वारी खाएगा, बाजरी खाएगा, गेहूँ खाएगा, आपका करडी खाएगा। उसमें सबसे मेन बात हरभरा डालो, ब्लैक वाला चना खाने में उनको ताकत भी देगा। जो पर आएंगे वो जल्दी आएंगे, मजबूत पर आएंगे, परों में लचक होगी। अगर पर रुक रुक के आते हैं तो उसमें है ना क्वालिटी नहीं आती। क्वालिटी के पर चाहिए, खिलाई पिलाई पे बहुत ध्यान देना पड़ चाहिए। कबूतर को अच्छा दाना दिया तो वो जल्दी पर आ जाते हैं। अपने मदरसे देख लो, कोई मतलब कबूतर देख लो, उनकी रहने खिलाई पिलाई का बहुत ध्यान रखा जाता है। कोई मतलब के पर अगर देखेंगे एकदम सिल्क की तरह, एकदम मुलायम सॉफ्ट वाले, हाथ में पकड़ा तो भी फिसल जाएगा, इतना अच्छा पर रहता है, क्योंकि खिलाई पिलाई पे ध्यान देते हैं। अपने इधर खिलाई पिलाई पे ध्यान ही नहीं दिया जाता। एक दाना तो एक ही दाना, एक दाना अगर डालने ज्वारी डालना चालू किया तो ज्वारी डालेंगे, गेहूँ डालना तो गेहूँ डालेंगे। जब तक वो कबूतर थक नहीं जाता तब तक गेहूँ चलेगा। बाजरी चालू किया तो बाजरी डालते रहेंगे। ये कबूतर चाव से नहीं खाता, उसका मन उड़ जाता है उड़ाने से, और इसकी वजह से उसके पर भी अच्छे नहीं आते। अच्छा उड़ने वाला कबूतर अगर पर नहीं रहेगा तो वो क्या उड़ेगा। कबूतर के पर रहेंगे तो वो बहुत ज़्यादा टाइम मरेगा। ये पतझड़ के टाइम पे उसका जितना चाहिए उतना प्रोटीन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, विटामिन चाहिए। कबूतर खाएगा तो ही पर आएगा अच्छा, इसलिए कबूतर खाने में मिक्स दाना डालो। अरे चना तो डालना ही डालना है, चना, मक्का, बाजरा, अपनी सरसों भी बहुत ज़रूरी है। जोड़े वाले कबूतर में 8-9 टाइप की दाल डाल दो, कबूतर चाव से भी खाएगा अच्छा है, कबूतर के पर भी अच्छे आएंगे। खुरीद के टाइम पे तो ये डालना ही डालना है। बहुत सारे जन बहुत कहते हैं कि खुरिश पे कबूतर उड़ेगा नहीं, उसको उड़ाएंगे नहीं। अगर उसको दाना अच्छा रहेगा तो कबूतर क्यों नहीं उड़ेगा, उड़ेगा कबूतर। एक कली दो कली अगर गिर जाती है तो उसमें उड़ने वाले कबूतर में क्या दिक्कत है, लेकिन उसको खिलाई पिलाई वो है ना। अभी देखो जो कट किए हुए पर पे भी कबूतर उड़ता है, बंद होता है वो क्यों उड़ता है, उसके परों में ताकत रहती है। ताकत रहेगी तो कौन सा भी कबूतर उड़ेगा ही उड़ेगा। 3 पर पे उड़ने वाले कबूतर मेरे पास भी, 3 पर पे उड़ने वाले कबूतर। दाना अच्छा दो कबूतर फ्रिज पे, पर भी अच्छा लगेगा और उड़ेगा भी अच्छा। अगर आपको पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर कुछ गलत लगे तो माफ़ कर देना,